तो यार आप सभी का स्वागत है ब्लैक क्लू गेमिंग में। और आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ वाइंडिंग मशीन के बारे में, और इसका जो ट्यूटोरियल है वो पूरी दूंगा मैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन मैं आपको बता दूं कि वाइंडिंग मशीन है क्या। तो यार जब भी मैं इसमें पेमेंट डालता हूँ, मतलब इसमें जो भी पैसे डालता हूँ मैं, उसके बदले मैं बटन दबा के वो चीज़ को ले सकता हूँ। तो यही होती है वाइंडिंग मशीन। और आपको तो पता ही है वाइंडिंग मशीन थोड़ी स्मार्ट होती है, लेकिन जो हमारा माइनक्राफ्ट है उसमें भी जो हमारी वाइंडिंग मशीन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है। यार मैंने एमराल्ड पे सेट की हुई है और मैं इसमें एक एमराल्ड डालूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि आप चाहो तो इसको डायमंड वगैरह किसी पे भी सेट कर सकते हो। तो अभी मैंने इसको एमराल्ड पे सेट किया और मैंने एक एमराल्ड डाल दिया है। तो इसकी जगह मुझे क्या चाहिए क्या चाहिए। ओके, तो मैं एक आयो फेंडर मंगाता हूँ। तो जैसे मैं आयो फेंडर पे क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं जब खोलूँगा चेस्ट को तो मुझे मिल जाएगा आयो फेंडर, मतलब एक एमराल्ड के बदले मुझे मिल गया आयो फेंडर। और इस तरीके से मशीन काम करती है। और इस मशीन की जो खास खास बातें हैं वो मैं आपको बता दूँ यार, कि जैसे कभी आप सोचो कि आपने एक चीज़ डाल दी इसमें और आप एक साथ दो बटन पे क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से, तो आप सोचोगे कि आपको दोनों चीज़ मिल जाएगी, तो यार ये पॉसिबल नहीं है। आपको सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी जिस पे आपने सबसे पहले क्लिक किया हो। तो इतनी स्मार्ट मशीन है। और यही नहीं, अगर आप इसमें कुछ दूसरी चीज़ डालते हो, जैसे कि मैं आयो फेंडर डाल देता हूँ इसमें, तो आयो फेंडर मैंने डाल दिया, उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ TNT पे या किसी पे भी, तो इसकी जगह मुझे मिलेगा क्या। ओके, तो कुछ नहीं मिला। तो दोबारा क्लिक करता हूँ मैं, ओके, तो मुझे मेरा जो आयो फेंडर है वो वापस मिल गया है। मतलब मशीन समझ गया कि मैं कुछ ना कुछ तो इसमें झोलझाल कर रहा हूँ, जिसकी वजह से उसने मेरा जो आइटम है वो वापस दे दिया है। तो यार इस तरीके से मशीन काम करती है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट मशीन है। बस आपको इसमें पीछे से सामान भरना है और जो आपकी पेमेंट है वो आपको मिलती रहेगी। मैं दिखा देता हूँ आपको, तो यहाँ पर आपकी पेमेंट मिलती रहेगी। थोड़ा नीचे जाना पड़ता है, तो यहाँ आपकी पेमेंट मिलती रहेगी। 8 एमराल्ड हो गए हैं, तो यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो अगर आप कोई सिटी वगैरह बनाना चाहते थे। ये मशीन बनाना बिल्कुल मत भूलना। और बिल्कुल सिंपल है यार, जो इसका कंसेप्ट है बिल्कुल सिंपल है यार, इसको कोई भी बना सकता है। और सर्वाइव सीरीज़ में अगर आप इसको बनाना चाहो तो यार बना सकते हो बड़े आराम से, बिल्कुल इजी है। तो शुरुआत करते हैं इसकी ट्यूटोरियल से। और जो सबसे पहले आपको जो चीज़ें चाहिए, सबसे पहले आपको 5x7 ब्लॉक का एक पेज चाहिए, जो कि अंदर से 3 ब्लॉक तक का गहरा होगा। और आप ये देख रहे हो कलरफुल दिख रहा है, तो यहाँ पर मैं काम करने वाला हूँ। और इसके लिए जो आपको सामान चाहिए उसमें से 10 आपको रेडस्टोन टॉर्च चाहिए, और 26 चाहिए आपको रेडस्टोन डस्ट, और 2 चाहिए आपको रेडस्टोन कंपेरेटर, और 4 चाहिए आपको ड्रॉपर, और 6 आपको आइटम फ्रेम चाहिए, और साथ ही आपको इसमें 3 चेस्ट चाहिए, और 4 चाहिए आपको बटन्स, और 3 स्लैब, साथ ही आपको 8 इसमें होपर लगेंगे। और साथ ही जो आप इसमें पेमेंट यूज़ करना चाहते हो वो आपको 23 रखनी है। जैसे आप डायमंड यूज़ करना चाहते हो तो डायमंड, नहीं तो आप एमराल्ड यूज़ कर सकते हो। और इसी के साथ ही जो एक्स्ट्रा ब्लॉक है वो आप अपनी मर्जी से चूज़ कर सकते हो। तो ये हमारा एरिया जहाँ पर हम बनाने वाले हैं। और जो इसकी ऊंचाई है वो 3 ब्लॉक तक की है, मतलब 3 ब्लॉक तक का गहरा है। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि जो आप ब्लॉक देख रहे हो ब्लैक वाला, यहाँ पर से लेके आपको 3 ब्लॉक आगे तक जाके ब्लॉक रखने हैं, जो आपको यहाँ पर रखने हैं, मतलब जो रेड वाले थे रेड वाली जगह पर रखने हैं। तो इधर से 2 ब्लॉक छोड़ने हैं और इधर से 3 ब्लॉक छोड़ने हैं, और बीच में आपको 2 ब्लॉक ऐसे रखने हैं। तो यार यहाँ पर हम अभी रिसीवर बना रहे हैं और उसी के लिए मैंने यहाँ पर ब्लू ब्लॉक रखे हैं। और यार उसके बाद करना क्या है कि इस तरफ आपको आ जाना है जहाँ पर 3 ब्लॉक है, इस तरफ आके आपको यहाँ पर कंपेरेटर लगा देना। आपको मैं ऊपर से दिखा देता हूँ, तो इस तरीके से आपको कंपेरेटर लगा देना है। और उसके बाद फिर आपको उसके सामने एक ब्लॉक रख देना है। ब्लॉक रखने के बाद आपको चेस्ट चाहिए, जो कि आप नॉर्मल चेस्ट यूज़ करते हो। अब करना क्या है कि अब हमें चेस्ट रखने हैं, जो हमारा ब्लू वाला ब्लॉक है यहाँ पर चेस्ट रखने हैं। उसके बाद क्राउच होके इसके साइड में रख देने हैं। तो यहाँ पर हमारे चेस्ट तो आ गए हैं जिसमें हमारा सामान रिसीव होगा। तो ये हमारा रिसीवर हो गया जहाँ पर हमारा सामान रिसीव होगा। और अब हमें बनाना पड़ेगा पेमेंट के लिए, जो भी पेमेंट आएगी वो कहाँ पर रिसीव होगी और वो कैसे रिसीव होगी। तो यार पेमेंट मेथड के लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमें होपर लगाने पड़ेंगे, और जो ऊपर वाला चेस्ट देख रहे हो तो सबसे पहले क्राउच होके इस ऊपर वाले चेस्ट पे लगा देना है। इसके बाद करना क्या है कि जो कंपेरेटर लगाया था इसके ऊपर भी एक होपर लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो दोनों होपर अटैच हो गए, एक चेस्ट में हो गया है और एक कंपेरेटर में हो गया, जो पहचानेगा कि इसमें सामान आया है या नहीं आया है। तो अभी हमें एक चेस्ट की और ज़रूरत है, जो कि मुझे यहाँ पर लगाना, जो हमने ब्लैक वाला बनाया था। तो यहाँ पर हमने एक चेस्ट लगा दिया जहाँ पर हमारी पेमेंट रिसीव होगी और यहाँ पर हमारे आइटम रिसीव हो गए इस वाले चेस्ट। अभी हमें करना क्या है कि जो चेस्ट लगाए इस चेस्ट पे बस क्लिक करना है, तो होपर अपने आप अटैच हो जाएगा। और जो दूसरा होपर है वो हमें इस वाले होपर पर अटैच करना है, जो कि हमने अभी चेस्ट में अटैच किया है। तो इस पर क्लिक करके हमें इस पर अटैच कर देना है। तो देख सकते हो कि सारे के सारे तो अटैच हो गए हैं आपस में। और अब हम करते हैं इनका बाकी का कनेक्शन का काम। और उसके लिए मैं यहाँ पर सबसे पहले ब्लॉक लगाऊंगा, जो मैंने कंपेरेटर लगाया था उसके दोनों तरफ मैं ब्लॉक लगा दूंगा कुछ इस तरीके से। और उसके बाद करना क्या है कि सबसे पहले हमें रेडस्टोन लेके ऊपर रख देना है,
यहाँ पर रख देना है और उसके बाद एक टॉर्च लेके हमें यहाँ साइड में लगा देनी है। तो इससे होगा क्या कि जो भी आइटम होगा वो सारी पहचानी जाएगी कि वो आइटम है या नहीं है, और उसके बाद डिसाइड करेगी मशीन की आगे रिस्पॉन्स देना है नहीं देना है। तो यार अब हमें करना क्या है कि अब हमें पेमेंट को डिसाइड करना, मतलब जो करेंसी हम यूज़ करना चाहते हैं उसको डिसाइड करना, जो कि हम ये वाला होपर देख रहे हैं इस वाले में डिसाइड करना है। तो उसके लिए मैं यूज़ करने वाला हूँ एमरल्ड, और निकाल लेता हूँ फटाफट से एमरल्ड को। तो एमरल्ड मेरे आ गए हैं, और करना क्या है कि मिडल वाले होपर में जाना है और यहाँ पर मुझे एमरल्ड रखने हैं। सबसे पहले मुझे एक रखना है, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, और फिर जो 19 बचे हुए थे वो 19 के 19 रखने हैं। तो देख सकते हो कि 19 से 18 हो गए हैं क्योंकि एक होपर में नीचे ये चला गया, और देख सकते हो कि ये भी एक्टिवेट हो गया है। तो हमारी जो पेमेंट है वो एक्टिवेट हो गई है, जब भी इसमें पेमेंट जाएगी तो वो अपने आप ही काम करेगी। तो एक बार मैं डाल के देख लेता हूँ यार, तो मुझे यहाँ पर डालनी है और मैं एक बार डाल के देखता हूँ। ओके, तो मैंने यहाँ से डाली है और देखता हूँ कि ओके, तो मेरे पास आ गई है, जो मैंने पैसे डाले थे वो मुझे मिल गए हैं। तो इस तरीके से काम करेगा। एक बार मैं फिर से डाल के देखता हूँ, तो मैंने एक और डाला है और इसको देख लेता हूँ। ओके, तो दो हो गए हैं। तो इस तरीके से काम करेंगे पेमेंट मेथड। और अगर मैं इसकी जगह कुछ और डाल देता हूँ तो देखता हूँ यार क्या होगा। यहाँ पर टॉर्च डाल देता हूँ और देखता हूँ टॉर्च आएगी कि नहीं आएगी। ओके, तो टॉर्च नहीं आई है, तो वो गई कहाँ होगी। ओके, तो वो चेस्ट में आ गई है, जो मेरा चेस्ट था उसमें वापस से आ गई है। तो ये इस तरीके से काम करेगी कि अगर आप गलत सामान डालोगे तो हमारे चेस्ट में आ जाएगी, रिसीवर में आ जाएगी, और यार अगर आप सही सामान डालोगे तो जो आपका पेमेंट रिसीवर है वहाँ पर आपका सामान आ जाएगा। तो पेमेंट को रिसीव करने के लिए तो हमारा बन गया है। अभी हमें करना क्या है कि इसको थोड़ा फ्रंट से बनाना पड़ेगा, और थोड़ा हम क्राउच हो जाते हैं, और क्राउच हो जाने के बाद जो आप होपर देख रहे हो इस होपर के ऊपर हमें एक ब्लॉक रखना है। तो मैं वुड को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि यार अच्छी लगेगी वुड भी। और यहाँ पर हमें 3 ब्लॉक रखने हैं कुछ इस तरीके से। उसके बाद करना क्या है कि जो ये वाला है दूसरी साइड, तो दूसरी साइड भी हमें रखना है। तो यहाँ पर हमें कुछ इस तरीके से लगाना है, और जो नीचे ब्लॉक लगाया था इसको तो हटा दो। तो यहाँ पर भी हमें 3 ब्लॉक रखने हैं कुछ इस तरीके से, और 3 ब्लॉक आ गए हैं। तो हमारा जो स्ट्रक्चर है वो भी थोड़ा थोड़ा बन के तो हो रहा है तैयार। तो इतना तो हो गया, अभी हमें बटन लगाने होंगे। तो बटन लगाने के लिए आपको जो पहले वाले ब्लॉक है उन पर लगा देने, और जो दूसरा ब्लॉक है उस पर भी लगा देने, लेकिन तीसरा ब्लॉक छोड़ देना है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद करना क्या है कि हमें इनके पीछे जाना है, और जो हमारे पास रेडस्टोन टॉर्च है उन टॉर्च को हमें लगा देना है, बिल्कुल इन्हीं के पीछे लगा देना है जो बटन है, ताकि जैसे ही हम बटन को दबाए तो ये अपने आप ही ऑफ हो जाए, मतलब डिसेबल हो जाए। तो कुछ इस तरीके से काम करनी चाहिए। और उसके बाद हमें चाहिए ड्रॉपर, और जो ड्रॉपर लगाना है ड्रॉपर को कुछ इस तरीके से लगाना है, जो टॉर्च है टॉर्च पे बस क्लिक करना है। ओके, तो गलत हो गया, तो सिर्फ टॉर्च पे क्लिक करना है तो अपने आप ही ड्रॉपर साइड में लग जाएगा, और जो इसका फेस है वो अंदर की तरफ होना चाहिए कुछ इस तरीके से। तो अभी करना क्या है कि एक मैं ब्लॉक लगा देता हूँ इसके नीचे, और इसके लिए मुझे क्राउच होना पड़ेगा। तो क्राउच होकर एक ब्लॉक लगा देते हैं। अभी करना क्या है कि एक ड्रॉपर और लगा देते हैं इसके नीचे। ओके, तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है। तो अभी करना क्या है कि दूसरी तरफ भी सेम इसी तरीके से लगाना है, तो लगा देते हैं इसको ही फटाफट। तो इसके लिए भी आपको क्राउच होना है और नीचे ब्लॉक लगा देना है, और उसके बाद आपको एक ड्रॉपर लगा देना है जिसका फेस इस तरफ होना चाहिए। तो दोनों का आमने सामने फेस होना चाहिए तभी ये काम करेगी। तो इतना तो हमारा हो गया है। अभी हमें करना क्या है कि जो हमारी यहाँ पेमेंट रिसीव होती है, ये वाला जो होपर देख रहे हो तो इसमें पेमेंट रिसीव होती है, और जब भी सक्सेस होती है पेमेंट तो उससे आगे हमें करंट भेजना है ताकि जो हमारे ड्रॉपर है वो एक्टिवेट हो सके। तो उसके लिए करना क्या है कि हम सबसे पहले एक ब्लॉक लगाएंगे यहाँ पर, जो हमारा होपर है जहाँ पर सक्सेस बताता है पेमेंट को, तो वहाँ पर हमें लगाना है, और उसके बाद हमें इसके पीछे जाके एक कंपैरेटर को लगा देना है। तो इतना करने के बाद हमें एक ब्लॉक लगाना है, और ब्लॉक लगाने के बाद हमें इसके पीछे एक टॉर्च लगा देनी है कुछ इस तरीके से। तो इतना हो जाने के बाद हमें एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा, जो रेडस्टोन टॉर्च लगाई थी उसके ऊपर लगाना है। और उसके ऊपर लगाने के बाद करना क्या है कि हमें इसको थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, और आगे बढ़ाने के लिए हमें एक ब्लॉक और लगाना पड़ेगा। और उसके बाद करना क्या है कि हमें स्लैब यूज़ करने पड़ेंगे, क्योंकि जो बीच का हिस्सा है उसकी जगह हमें स्लैब यूज़ करेंगे, और जैसे चाहो वैसे स्लैब यूज़ कर सकते हो आप। तो मैं ये वाले स्लैब यूज़ कर रहा हूँ ताकि कलर थोड़ा मैच हो जाए। दो स्लैब लगाने, उसके बाद आपको फिर से एक ब्लॉक लगाना है, और ब्लॉक लगाने के बाद आपको नीचे बैठ के, मतलब क्राउच होके, यहाँ पर जो डिस्पेंसर लगे हुए हैं उन पे हमें लगा देने हैं ब्लॉक। तो दोनों पे ब्लॉक लगाने हैं। उसके बाद करना क्या है कि जो हमारा रेडस्टोन है वो हमें पूरे में फैला देना है कुछ इस तरीके से। तो यहाँ तक हमें ऐसे लगा देना है, उसके बाद जो ये वाला ब्लॉक था यहाँ पर भी लगा देना है। तो एक्टिवेट हो गया है सारा का सारा जो हमें चाहिए था। तो यार इतना तो हो गया कि जैसे ही सक्सेस जाएगा तो इनको पता चल जाएगा, लेकिन अभी तक हमने इसमें लॉक नहीं बनाया क्योंकि एक्टिवेट रहेंगे, और हमें अभी इसको डीएक्टिवेट करना जैसे ही सक्सेस हो। तो उसके लिए करना क्या है कि सबसे पहले हमें एक ब्लॉक रख के यहाँ पर ब्लॉक लगा देना है,
जो हमने कंपैरेटर लगाया था उसके ऊपर ब्लॉक लगा देना, और उसके बाद आपको पीछे जाके आपको टॉर्च लगा देनी है कुछ इस तरीके से। और इसके बाद करना क्या है कि क्राउच होना है आपको। तो क्राउच होने के बाद करना क्या है कि पहले मैं क्राउच हो जाता हूँ, तो क्राउच होने के बाद करना क्या है कि जो सक्सेस वाला हमारा होपर था वहाँ पर हमें रेडस्टोन डस्ट लगा देना है कुछ इस तरीके से। तो अभी हमें एक होपर की और ज़रूरत पड़ेगी जो मुझे क्राउच होके जो ऊपर वाला होपर है यहाँ पर लगा देना है। तो यहाँ मैंने इसलिए लगाया ताकि मैं इसमें सामान डाल सकूँ। तो एक बार हम इसको एक्टिवेट कर देते हैं जो भी अभी हमें बनाया है। तो इसमें एक बार मैं डाल देता हूँ एक एमरल को, और एमरल डालने के बाद होगा क्या कि ये सारा का सारा डीएक्टिवेट हो जाएगा, देख सकते हो। और अभी होगा क्या कि जैसे मैं बटन दबाता हूँ तो ये काम तो करेगा, लेकिन अभी इसमें एक दिक्कत होगी कि ये वापस से एक्टिवेट मतलब डीएक्टिवेट नहीं होगा। तो उसको करने के लिए हमें करना क्या है कि अभी हमें एक स्लैब चाहिए, और करना क्या है कि सबसे पहले हमें इसके पास जाना पड़ेगा। और यहाँ पर जो हमारा बीच वाला होपर देख रहे हो जिसके ऊपर वुड लगी हुई है, तो इस होपर के ऊपर हमें लगाना पड़ेगा एक स्लैब। और ऊपर चढ़ते हैं थोड़ा, तो यहाँ पर मुझे थोड़ा क्राउच होके एक स्लैब लगा देना है कुछ इस तरीके से। और उसके बाद करना क्या है कि इसके ऊपर एक रेडस्टोन रख देना है, जो रेडस्टोन डस्ट है उसको रख देना है। और यहाँ पर अभी करना क्या है कि मैं एक ब्लॉक लगाऊंगा, जो कि आप बाहर से दिखाना चाहते हो उस तरह का आप ब्लॉक लगा सकते हो। तो स्टोन ब्रिक को मुझे थोड़ा ऊपर लगाना है, और पहले मैं एक ब्लॉक लगा देता हूँ। तो इस तरीके से हमें लगाना है, और इसको मुझे हटाना है क्योंकि यहाँ पर तो मैं कुछ भी और भी लगा सकता हूँ। तो इतना करने के बाद करना क्या है कि सबसे पहले हमें एक टॉर्च लगा देनी है, जो रेडस्टोन टॉर्च है वो लगा देनी है, और लगते ही अपने आप ही बंद हो जाएगी, देख सकते हो कि बंद हो गया है। तो अभी हमें एक रेडस्टोन डस्ट और रखना पड़ेगा, जो हमने टॉर्च लगाई थी टॉर्च के नीचे ही लगाना है, जो व्हाइट वाला ब्लॉक है वहाँ पर लगा देना है। तो एक बार और देख लेते हैं इसमें एमरल्ड डाल के, और मैं एक एमरल्ड डाल देता हूँ। तो जैसे ही मैंने एमरल्ड डाला और उसके बाद मैं जैसे इसको दबाता हूँ, ओके तो काम कर रही है, मुझे इसकी आवाज़ आई है। तो यार जो अभी हमने किया है वो सिर्फ इस वाले बटन के लिए किया है, और यही चीज़ अभी हमें दूसरी तरफ भी करनी पड़ेगी, क्योंकि जब भी हम इस बटन को दबाते हैं तो इसमें सामान निकलेगा। अगर जो पेमेंट है वो सक्सेस हुई तो इसमें करंट पहुँचेगा और इसमें सामान निकलेगा। तो यही चीज़ हमें दूसरी तरफ भी करनी है। तो यहाँ पर करंट पहुँचाने के लिए सबसे पहले करना क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर एक ब्लॉक लगाना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, और ये वाला तो हटा देना है। तो यहाँ पर हमें रेडस्टोन डस्ट लगा देना है। तो इतना करने के बाद करना क्या कि वापस से हमें वही सेम करना है जो हमने पहले किया था। तो यहाँ पर मुझे एक स्टोन ब्रिक को लगा के, और यहाँ पर मुझे टॉर्च लगा देनी है कुछ इस तरीके से, जो कि आपको बंद दिखेगी। तो इतना करने के बाद जो ये वाला ब्लॉक देख रहे हो और जो इस तरफ का ब्लॉक है, तो यहाँ तक हमें करंट ले जाना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमने रेड स्टोन लगाया था। तो इसका करंट ले जाने के लिए हमें सबसे पहले ब्लॉक लगाना है कुछ इस तरीके से, और इसको सीधा ले जाएंगे बिल्कुल लास्ट तक। और मैं इसको ले जाता हूँ एक बार, तो यहाँ तक हमें लास्ट तक ले जाना है, और उसके बाद हमें यहाँ पर एक ब्लॉक कुछ इस तरीके से लगा देना है। और मैं थोड़ा ऊपर चला जाता हूँ। तो इस तरीके से ब्लॉक लगाने के बाद करना क्या कि हमें रेडस्टोन डस्ट को यूज़ करना है, और इसको मुझे यहाँ पर इस तरीके से लगा देना है। तो यहाँ तक करने के बाद बस ऐसे लगा के बस हो गया, जो भी काम था नीचे का तो सारा काम हो गया है। अभी हमें ऊपर के लिए भी काम करना पड़ेगा। तो हमारे दो दो बटन एक्टिवेट हो गए हैं, जो ये वाला लेफ्ट और राइट का नीचे वाले बटन थे तो एक्टिवेट हो गए हैं, लेकिन अभी हमें ऊपर वाले बटन को एक्टिवेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए मुझे करना क्या है कि सबसे पहले हमें यहाँ पर ब्लॉक रखने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से, और ब्लॉक रखने के बाद करना क्या है कि सबसे पहले हमें टॉर्च लगा देनी है, और दोनों टॉर्च अपने आप ही ऑफ हो जाएगी क्योंकि नीचे से ऑन करंट आ रहा है। तो करना क्या है कि जो नीचे ये वाले वाइट ब्लॉक है इनका करंट हमें ऊपर तक तो ले जाने के लिए हमें फिर से और ब्लॉक का यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम ब्लॉक लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और इसके बाद हमें यहाँ तक पूरा ऐसे लगा देना है। तो अभी हमें ऊपर तक करंट ले जाना है, और उसके लिए मुझे यहाँ पर ऐसे ब्लॉक लगाने पड़ेंगे, और अभी मुझे एक साइड में ब्लॉक और लगाना पड़ेगा जो कि कुछ इस तरीके से मैं लगाऊंगा। और इसके बाद मुझे एक ब्लॉक और लगाना है जो कि लगेगा यहाँ पर नीचे। तो इस तरीके से आपको ब्लॉक लगाने हैं कुछ सीढ़ियों की तरह बना के नीचे तक ले जाने हैं, और उसके बाद आपको रेडस्टोन डस्ट को यूज़ करना है, और देख लेना कि वो नीचे से कनेक्ट है कि नहीं है। तो ऊपर तक हमें ले जाना है इस रेडस्टोन डस्ट को, और यहाँ तक हमें ले जाना जो हमारे दोनों ड्रॉपर है वहाँ तक ले जाना है। तो दोनों में करंट आ गया है, तो बटन का काम तो यार हमारा हो गया है। जो हमारे ड्रॉपर लगे हुए हैं इनमें से जो सामान निकलने वाला है वो अभी हमें चेस में भेजना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें फिर से चाहिए होपर, और होपर को लगाने के लिए सबसे पहले हमें क्राउच होना पड़ेगा, और सबसे पहले जो चेस्ट है चेस्ट पे हमें होपर लगा देना है कुछ इस तरीके से। उसके बाद एक होपर और लगा देना है, और उसके बाद हमें जो दूसरा होपर लगाया था इसके ऊपर हमें होपर लगा देना, मतलब इसके साइड में इसको टच करके होपर लगा देना है। तो जो इसमें से निकलने वाला सामान होगा सीधा ही नहीं होपर में आएगा, और होपर में जाके सीधा चेस्ट में आ जाएगा। सर जो भी हमारी मशीन है वो बनके तो तैयार नहीं हुई, क्योंकि इसमें एक दो चीज़ें और करनी है।
तो जो हमारा पीछे का हिस्सा है यहाँ पर हमें सबसे पहले ग्लास लगाने, और ग्लास लगाने का रीज़न ये है कि हमें वैसे तो ये बंद करना था यहाँ से कुछ इस तरीके से, और ये बंद करने का रीज़न सिर्फ एक ही है कि जब भी ड्रॉपर में से सामान आएगा तो यार वो सिर्फ हॉपर में गिरना चाहिए, नहीं तो साइड सूड में गिर गया तो यार दिक्कत हो जाएगी। तो इसलिए हम यहाँ पर ग्लास लगा रहे हैं, और ग्लास में से करंट आर पार नहीं जाना चाहिए इसलिए हम ग्लास का यूज़ कर रहे हैं। तो उसके बाद हमें ऊपर से भी ग्लास लगा देना है, जिसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे सबसे पहले यहाँ पर लगा के कुछ इस तरीके से लगा देना है। तो इस तरीके से हमें लगाना है और हम बाकी की चीज़ों को लगा लेते हैं। तो इतना तो काम हो गया, अभी हमें करना क्या है, इसमें आइटम फ्रेम लगाने हैं, और यहाँ पर मैं एक ब्लॉक लगा के दूसरा ब्लॉक लगा दूँ और जो पहले वाला ब्लॉक है उसको तोड़ दूँगा। तो इस तरीके से मुझे लगाना है, ओके गलत लग गया, तो इस तरीके से लगाना है। और उसके बाद करना क्या है, इसमें आइटम फ्रेम लगाने पड़ेंगे कुछ इस तरह से, और चारों आइटम फ्रेम लग गए हैं। अभी हमें थोड़ा नीचे से भी थोड़ा डेकोरेट करना पड़ेगा इसको, और थोड़ा क्राउच होना है, और उसके बाद हमें स्टेयर्स को लगा देने हैं। तो ये बढ़िया है, अब बढ़िया भी दिख रही है मशीन। तो फाइनली जो हमारी मशीन है वो बनके तैयार हो गई, बस इसमें थोड़ी सी डेकोरेशन की ज़रूरत है और चारों तरफ से कवर करने की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले आपको करना क्या है कि जितनी भी आपके ड्रॉपर है ड्रॉपर में सामान रख लेना है। तो फाइनली जो हमारी मशीन है वो बनके तैयार हो गई, और इसमें मैंने आइटम जो सेट किए हुए, एक में डायमंड किया और एक में मैंने तलवार की है, और फिर मैंने एक आयो फेंडर और एक TNT बॉम्ब सेट किया है, क्योंकि यार जब एमरल्ड हो गए तो इतनी तो चीज़ बनती है यार। और अभी हमें करना क्या है कि इसमें हम चीज़ें फेंकेंगे, मतलब कि एक फेंकेंगे एक हम एमरल्ड, और देखते कि हमें चाहिए क्या। मुझे चाहिए एक तलवार चाहिए, तो तलवार पे जैसे मैं क्लिक किया है तो तलवार मुझे मिल गई है। तो ये हमारी मशीन जो बढ़िया तरीके से काम कर रही है, बस आपको इसमें सामान भरते जाना है, और जो आपके पैसे है वो आपके पिगी बैंक में आ जाएंगे, जो छोटा सा आपका बैंक बना हुआ है उसमें पैसे आते रहेंगे। तो मशीन काम कर रही है, सब कुछ काम कर रहा है, और आप भी अभी इसको बनाने की ट्राई करो। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपने कुछ पूछना है तो यार नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, और अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो यार वीडियो को लाइक कर दो, और अगर नए हो तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। गेमिंग की ऐसी हिंदी वीडियो बहुत आएगी, और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले नए गेमिंग एपिसोड में।